हेलो दोस्तों, और सभी का यहाँ पे स्वागत है। मेरा नाम शमीम, और मैं आपको नया जीमेल अकाउंट किस तरह से बनाया जा सकता है, और वो भी बिना मोबाइल नंबर के, उस बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए, चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें चलना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। यहाँ पे देखिए, ये आपको सेटिंग्स नज़र आएगी। बस आपने सेटिंग्स में टैप करना है, और फिर हमने सबसे नीचे जाना है और ढूँढना है अकाउंट्स। यहाँ पे अकाउंट्स का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ ये है, और इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे देखिए, मेरे ऑलरेडी कई सारे अकाउंट्स डले हुए हैं, मैं आपको ये शो नहीं कर सकता, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आपको बस यहाँ पे ये ऐड अकाउंट्स का बटन दबाना है, ताकि आपको नया अकाउंट डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल का ये ऑप्शन चुनना। हालांकि यहाँ पे और भी ऐप्स थे, आपने उन ऐप्स को नहीं खोलना है। उसके बाद आपके पास आपके मोबाइल का सिक्योरिटी ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको, अगर आपने पिन डाल रखा है सिक्योरिटी पिन, तो वो डालना है। अगर आपका थंब इम्प्रेशन है, तो आपको अपना थंब इम्प्रेशन डालना है। और वो डालते ही आपको देखिए ये वाला पेज खुलता है, जिसमें साइन इन का ऑप्शन है, और यहीं नीचे क्रिएट अकाउंट करके दिया हुआ है। आपको इस ऑप्शन को ओपन करना है। फिर यहाँ पे दो ऑप्शन और है, जिसमें फॉर माई सेल्फ और दूसरा टू मैनेज माई बिजनेस। वैसे तो मैं फॉर माई सेल्फ के लिए बनाने जाऊँ तो बिजनेस तो नहीं है, फिलहाल हम फॉर माई सेल्फ के लिए ओपन करते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे आपका पहला नाम और लास्ट का नाम देना है, जैसे कि आपको जो सर नेम, पहला नेम आपको जो भी है, विक्की वगैरह, मैं अपने रैंडम नाम दे रहा हूँ, और लास्ट नेम हो गया अग्रवाल, अग्रवाल डाल दिया हमने। चलिए, फिर इसके बाद आपको ये नेक्स्ट बटन दबाना है। ओके, अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। मैं रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ, आपको अपना एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ डालना है। आप गलत डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल लेना। फिर आपको अपना जेंडर चूज़ करना है, और जो आपका जेंडर है वो डालना है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट दबाना है। यहाँ पे आपको कोई एक अपना ईमेल अकाउंट चुनना है, जैसे कि मान लीजिए मैं डालता हूँ, विक्की डालता मैंने, तो विक्की लेते हैं पहले, विक्की, और अग्रवाल था अग्रवाल, इसे देखते हैं ये ऑप्शन, ये ईमेल आईडी हमें मिलता है कि नहीं मिलता। तो दोस्तों ये तो नहीं मिला, तो चलिए इसमें थोड़ा सा और यूनिक बनाते हैं, ताकि हमें अपना ईमेल, एक नया ईमेल मिल सके। इसमें मैं लास्ट में डाल देता हूँ 87, जो मेरे डेट ऑफ बर्थ का था। तो ट्राई करते हैं दोबारा, नेक्स्ट करते हैं। ओहो, ये भी नहीं आया। तो देखिए, यहाँ पे नीचे इन्होंने ऑप्शन दिया है, तीन ऑप्शन दिया है, जो मैं, जो न्यू ईमेल आप बना सकते हैं। पहला है विक्की अग्रवाल 569, दूसरा है विक्की अग्रवाल 085, और ये तीसरा है VA74 76 50 60, जो भी है। हम सिर्फ इसको लेते हैं, पहले वाले को ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, चाहे तो आप अपना मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं, हमें मोबाइल नंबर के बिना ईमेल आईडी बनाना है, तो इसलिए मैंने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके अब आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन दबाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड चूज़ करना है। आपका याद रखिएगा कि कम से कम 8 अक्षर का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें आपका लेटर्स हो, नंबर्स हो और सिंबल्स हो, जो ये तीनों ही मिला के आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अपना पासवर्ड बनाने जा रहा हूँ, ह्यूमैनिटी 77। ओके, ये बहुत है, ह्यूमैनिटी 77। और अब मैं नेक्स्ट बटन दबाता हूँ आगे बढ़ने के लिए। ओके, देखिए अभी यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा रहा है कि अगर आप फ़ोन नंबर ऐड करते हो, तो फ्यूचर में कभी आपका पासवर्ड अगर आप भूल जाओ, तो उसमें आप रिसेट पासवर्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। वीडियो कॉल्स, मैसेंजर रिसीव करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपका इसमें गूगल डियो का ऐप होता है, उसमें यूज़ कर सकते हो। और भी ये सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो, अगर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे तो। अदरवाइज़ अगर आपको बिना मोबाइल नंबर के कंटिन्यू करना है, तो आप इसे स्किप कर दीजिए यहाँ पे बस। ओके, अब ये मेरे अकाउंट के रिव्यू दिखा रहे हैं कि इस अकाउंट को मैं अब बाद में साइन इन कर सकता हूँ। बस अब हमने और कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करना है।
और यहाँ पे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, इन सबको आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा, और वैसे तो हम आँख मीच के इसको एग्री कर लेते हैं। और लीजिए, बस कुछ ही सेकंड्स में हमारा न्यू अकाउंट तैयार हो जाएगा ईमेल का, जिसमें आप ईमेल रिसीव कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं, और चाहे तो उसके अपने न्यू ईमेल के साथ आप फेसबुक में रजिस्टर कर सकते हैं, और भी कई सारे ऐप्स में आप जीमेल के ज़रिए रजिस्टर कर सकते हैं। इस बिना आपको इसमें आपको कोई मोबाइल नंबर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो अपना नंबर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर बाय चांस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आपको अकाउंट रिकवर करना है, तो मोबाइल नंबर से आपका पासवर्ड बहुत इजीली रिसेट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के भी साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।